अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी फूड बाय नाज। सो आज मैं आप लोगों के लिए चना मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही क्विक एंड फास्ट बनने वाली रेसिपी है, क्योंकि लिए मैंने इसे कुकर में बनाया है और ये एक ही कुकर के अंदर फटफट सब सामान डालना है और सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के हमने बनाना है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए सो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सब में पहले मैंने यहाँ पर काबुली चना रात भर भिगा के रखा था और सुबह में मैंने इसको 2 कप पानी डालकर इसको बॉईल कर लिया था। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसे ऑलरेडी बॉईल करके रखा है। तो अब मैंने गैस ऑन कर लिया है और गैस के अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है और इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाल दिया है, साथ ही साथ कड़ी पत्ता डाल दिया है और ये कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से इसके अंदर भून लेना है। ज़ीरा देखिए हमारा अच्छी तरीके से तेल में क्रैकल्स कर रहा है और प्याज भी हमने अच्छी तरीके से पिंक कर लेनी है। जैसे ही हमारी सारी चीज़ें अच्छी बन जाती हैं तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन मिर्ची और प्याज का, ये मेरा होममेड मसाला है, इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। ये मल्टीपर्पज़ मसाला है, ये हर किसी के ग्रेवी के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपका टाइम बचा सकता है कोई भी ग्रेवी बनाने में। तो अब हम इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया है और 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे और चम्मच से चलाते रहेंगे। इसको भूनने के लिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा, बहुत ज़रा सा पानी ऐड करना है, जिससे हमारे मसाले एकदम अच्छे से भुन जाएं और जले ना। इसे करने में सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेंगे। जैसे ही हमारा मसाला भुन जाता है हम इसके अंदर, मैंने यहाँ पर एक बड़ा टमाटर लिया था और उसको मैंने अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड करके उसकी प्यूरी बना ली है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो टमाटर को काट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देखिए हमारा सारे मसाले अच्छे तरीके से भून चुके हैं, टमाटर भी हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है इसके अंदर। तब हम इसके अंदर नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, स्वाद अनुसार जितना आपको अच्छा लगे। और जो हमने चने उबाल के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ये उबले हुए चने हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक बड़ा आलू काट के रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये आलू पके हुए नहीं है, ये कच्चे आलू हैं, मैंने साबुत इसे काट के पीसेज में इसमें डाल दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर देंगे जिससे हमारी ग्रेवी रेडी हो जाए और जो हमने आलू कच्चे डाले हैं वो भी अच्छे से इसमें पक जाएं। और हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसे 2 विसिल तक आने के लिए हम इसको कुकर को ढक्कन लगाकर इसको कम से कम 2 से 3 सीटियां इसमें लगा लेंगे जिससे हमारा आलू पक जाए। 3 सीटियों के बाद में हम अपना चना मसाला चेक करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह हमारा चना मसाला कितना ही ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है और बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। आलू भी देखिए अच्छे तरीके से पक चुका है और सब अच्छे तरीके से मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ये बहुत ही क्विक एंड इंस्टेंट रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसके अंदर हरा धनिया पत्ता डाल देंगे जिससे ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इसको रोटी के साथ में, भटूरे के साथ में, राइस के साथ में खा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।